अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं यासीन अब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप अपने गूगल एडसेंस की पूरी सेटिंग कर सकते हैं। उसका आप नेम, एड्रेस, जो भी आपका पोस्टल कोड है, मैं आपको ए टू जी समझाऊंगा कि किस तरह से जो है आपने उसको चेंज करना है। अगर आपने पहले किया हुआ है, आपको पता नहीं है और आपके $10 हो गए हैं और आपको जो है वेरीफाई पिन आने वाला है और आपका जो है एड्रेस कंप्लीट नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या एड्रेस लिखा था, आप भूल गए हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मैं बता सकूँ किस तरह से जो है आपने अपने गूगल एडसेंस में अपनी जो डिटेल है वो फिल करनी है और किस तरह से करनी है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आ गए हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर जो है गूगल ऑन करना है। गूगल ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने गूगल के अंदर सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, गूगल के अंदर आके यहाँ पर आपने लिखना है गूगल एडसेंस। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो गूगल एडसेंस लिखने के बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने इस तरह से कुछ ये आ जाएंगी वेबसाइट्स। आपने यहाँ पर जो है गूगल एडसेंस लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि गूगल एडसेंस लॉगिन जो है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये लोडिंग लेगा। यहाँ पर आके अपना अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो गूगल एडसेंस है वो ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका गूगल एडसेंस ओपन होके आ गया है। तो आपने यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद इस तरह से आपके सामने इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर देखें जो नीचे लिखा हुआ गया मैनेज सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैनेज सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद ये है आपके सामने ये पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर जो है पेमेंट अकाउंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर जो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये लिखा हो गया, लिखा हुआ आ गया है आपके सामने नेम एंड एड्रेस। तो इसको मैं थोड़ा सा हिडन कर देता हूँ क्योंकि प्राइवेसी है। तो यहाँ पर मैं पेंसिल मार्क के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, नीचे जो है आपने अपना एड्रेस लिख लेना है जो भी आपका एड्रेस होगा। तो यहाँ पर जो एड्रेस 2 है यहाँ पर आपने एड्रेस लिख देना है, आधा ऊपर लिख देना है आधा नीचे लिख देना है। और आपने अपने इस लाइन 2 वाले एड्रेस के ऊपर जो है आपने अपना फ़ोन नंबर भी लिख देना है। इससे ये होगा कि जब भी वो पोस्ट वाला आएगा, आपका जो पोस्ट मास्टर होगा आएगा, तो आपको उसके ऊपर जो है नंबर भी आपका लिखा होगा, तो वो बआसानी आपके ऊपर जो है आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकेगा। अगर आपको आपका पोस्टल कोड नहीं पता तो आपने गूगल में सर्च करना है पोस्टल कोड। तो मैं लाहौर से हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाहौर पोस्टल कोड, तो आपके जो पोस्टल कोड है वो आ जाएंगे। आपने एरिया के हिसाब से आपने आपने अपना जो है पोस्टल कोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ एक वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्लिक करें, मेरा लाहौर का, तो मैं लाहौर के यहाँ पर आके पोस्टल कोड जो है वो चेक कर लेता हूँ। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आके भी सारा चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया का पोस्टल कोड कौन सा है। तो यहाँ पर आप जो भी अपना है आप अपना ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, तो जो है ना हम चलते हैं वापस अपने एडसेंस में। तो यहाँ पर जो है आपने अपना पोस्टल कोड जो है वो लिख लेना है, सिटी लिख लेना है। तो आपने अपना नीचे जो मोबाइल नंबर है वो भी आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है ताकि जो है आपकी आपके लिए आसानी हो, जो आपका जो पोस्ट मास्टर है वो भी आप उसके लिए भी आसानी हो। आपने पहले अपना जो कंट्री कोड है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो है आपने अपना जो है फ़ोन नंबर वो लिख देना है। नीचे आप जाएंगे तो आपको जो है सेव की सेटिंग मिल जाएगी, तो आपने जो है वहाँ पर जाके नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है और आपने उसको जो है सेव कर लेना है। तो अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरह से जो है आप लोगों ने सेव करना है। मैंने पहले से किया हुआ था तो अभी मैं थोड़ा सा एडिट करके सेव करने की आपको कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है आपने सेव कर लेना है, सेव की ऑप्शन आपके सामने आ गई है। तो इस तरह से जो है आप इसको सेव कर सकते हैं।
तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसको जो है वो सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने गूगल एडसेंस का इस तरह से जो है आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं एडसेंस की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।